शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल कुरेहा के नेतृत्व में शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर लगने वाले अवैध बाजारों एवं नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से वार्ड नंबर 23 के मोहल्ला आफत नगरी, फाजलपुर, नया गाँव, पूरनपुर, कंजीवाला, अम्बेडकर नगर आदि में हरीश पुत्र रामपाल, लीला देवी पति वीर सिंह, महेंद्र पाल पुत्र रामस्वरूप, अविनाश कुमार पुत्र मदनलाल सहित लगभग 40% पात्रों को पीएम आवास व शौचालय बनाने की रकम दे दी गई है, जो कि कई करोड़ों का घोटाला है। इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए। नगर निगम से संबंधित अधिकारी कर्मचारी ने अवैध वसूली पर मिलीभगत कर दिल्ली रोड, गागन चौराहे से अम्बेडकर नगर, होली चौक तथा सैकड़ों फल पकौड़ी आदि के ठेले लगा दिए हैं, जिससे अतिक्रमण होता है और रास्ता जाम व दुर्घटना होती रहती है। उक्त अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। कोरोना काल में भी स्मार्ट सिटी मुरादाबाद में दिल्ली रोड गागन चौराहे पर बृहस्पतिवार को करोला में, सोमवार व शुक्रवार को हड़तले में, रविवार को नगर निगम की नाक के नीचे नगर निगम कार्यालय के चारों ओर टाउनहॉल पर, मंगलवार को लगने वाला अवैध साप्ताहिक बाजार तत्काल हटाया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर तमाम शिव सैनिक जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में मंजू राठौड़, शिल्पी सिंह, राम अवतार सागर, विवेक, प्रमोद कुमार, विजय सिंह, विजय सेठ, राहुल सागर, मोहर सिंह, ओम प्रकाश सैनी, राकेश प्रजापति, प्रदीप कुमार कश्यप, राधेश्याम सैनी आदि लोग मौजूद हैं। डॉक्टर रामेश्वर दयाल कुरेहा, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। क्या प्रदर्शन था आज? शिव सैनिक कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मंडलायुक्त महोदय को प्रेषित ज्ञापन में वार्ड नंबर 23 में लगभग 40% आपातों को दी गई पीएम आवास की रकम व शौचालय की रकम पर कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं। कोरोना काल में वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत दिल्ली रोड पर बृहस्पतिवार को लगने वाला अवैध बाजार हटवाने की मांग करते हैं। करूला पर सोमवार को, शुक्रवार को अवैध बाजार हटवाने की मांग करते हैं। मंगलवार को टाउन हॉल पर नगर निगम की नाक के नीचे लगने वाला अवैध बाजार हटवाने की मांग करते हैं। रविवार को हड़तला में लगने वाला अवैध बाजार हटवाने की मांग करते हैं। शहर के बीचों बीच प्राइवेट बाजपुर व काशीपुर बस अड्डा को हटवाने की मांग करते हैं। यदि उपरोक्त बिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की गई, संबंधित दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई, तब शिव सैनिक 15 दिसंबर से नई दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये मुद्दा तो आपके द्वारा काफी बार उठाया गया है। दीदी, यहाँ प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारियों हमेशा मिले रहते हैं, इसलिए कार्रवाई में देरी हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए हमें दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला।